हेवान एक बार फिर से आ चुका हूँ आपके लिए बॉक्स फुल ऑफ स्टेशनरी कलेक्शन का वीडियो लेके गाइस। और हमेशा की तरह इस बॉक्स में डिफरेंट स्टेशनरी आइटम गाइस, बिना स्किप करे पूरे वीडियो एंड तक देखना। और आज की वीडियो देखने में आपको 100% मजा आने वाला है। मजा आए तो कर देना वीडियो को लाइक दोस्तों, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच फैमिली की तरफ से। तो चलो फटाफट इस बॉक्स को खाली करते हैं और देखते हैं इस बॉक्स से हमें किस तरह स्टेशनरी आइटम मिलती है और कौन कौन सी चीजें मिलती है। तो सबसे पहले देखो दोस्तों इसके अंदर हमें क्या मिलता है। तो इसके अंदर दोस्तों हमें मिलता है एक रॉकेट, और इस रॉकेट के ऊपर दोस्तों हमें एक बटन मिलता है। इस बटन को ऑन करते हैं तो ये देखो दोस्तों रॉकेट के अंदर से लाइट जल जाती है, देख सकते हो काफी जबरदस्त ग्रीन कलर का रॉकेट है तो ग्रीन कलर की लाइट मिल जाती है दोस्तों इस रॉकेट के अंदर। ये देख सकते हो कितना जबरदस्त रॉकेट है। और इस रॉकेट में हमें मिलता है एक पैन, वो कैसे चलो दिखाता हूं। तो इसे खींचेंगे तो दोस्तों इसके अंदर मिलता है हमें एक पैन, और इसकी टिप देख सकते हो कितनी पतली टिप है। चलाते इस पैन को तो ये देखो दोस्तों जेल पेन है, काफी अच्छा चल रहा है और काफी फास्ट भी चल रहा है दोस्तों। तो आपको ये रॉकेट वाला पेन कैसा लगा दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें ये क्या मिला दोस्तों, ये देखते हैं। तो ये देखो दोस्तों इसके अंदर मिलती है हमें एक आइसक्रीम, और ये आइसक्रीम नहीं है दोस्तों, आइसक्रीम लुक में मिलता है हमें इसके अंदर एक इरेजर, वो कैसे चलो दिखाता हूं। तो ऊपर दोस्तों हमें ढक्कन मिलता है, ढक्कन को खींचा तो ये देखो दोस्तों हमें एक इरेजर मिल जाती है आइसक्रीम लुक में दोस्तों। इरेजर काफी अच्छी लग रही है, काफी जबरदस्त लग रही है। तो आपको ये आइसक्रीम वाली इरेजर कैसी लगी दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें ये क्या मिला दोस्तों, ये तो है एक मैकेनिकल पेंसिल, और पीछे दोस्तों हमें एक बटन मिलता है, और इस बटन को ऑन किया तो ये देखो दोस्तों पीछे रंग बिरंगी कलरफुल लाइटें जल रही है, और लाइट जब भी ब्लिंक हो रही है तो अलग कलर आ रहा है इस पेन के अंदर से दोस्तों। चलो अब चलाते पेन को तो यहां देख सकते हो एक बटन मिलता है। इस बीच वाले बटन को दोस्तों हम दबाएंगे फिर दोस्तों इसकी टिप ओपन हो जाएगी और इसके अंदर से निकलेगी एक मैकेनिकल पेंसिल। ये देख सकते हो काफी जबरदस्त है, काफी अमेजिंग है। सबसे अच्छा तो दोस्तों मुझे इसकी लाइट लगी दोस्तों, कलरफुल लाइट मिल जाती है इस पेंसिल के अंदर। तो आपको मैकेनिकल पेंसिल कैसी लगी दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो इसे बंद कर देते हैं अच्छे से, चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलता है एक मरमेड प्रिंसेस का हाइलाइटर सेट। अरे वाह, चलो फटाफट निकालते बॉक्स से और देखते हाइलाइटर कैसा है और इनकी टिप कैसी है और कितने कलर के हाइलाइटर मिलते हैं इस बॉक्स के अंदर। तो बॉक्स से निकाल लिया तो ये देखो दोस्तों कितने जबरदस्त हाइलाइटर है। टोटल गाइस इसके अंदर हमें 1 2 3 4 5 6 कलर मिलेंगे। चलो अब इनकी टिप देखते हैं कैसी टिप है। तो इसे खींचा तो ये देखो दोस्तों इसके अंदर की टिप कितनी जबरदस्त टिप है दोस्तों, काफी बड़ा हाइलाइटर है। चलाते हैं तो ये देखो दोस्तों कितना जबरदस्त चल रहा है और कितना अमेजिंग चल रहा है, ये देख सकते हो। तो आपको ये हाइलाइटर कैसा लगा दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो एक और हाइलाइटर को निकालते हैं, देखते हैं कैसी टिप है। तो ये देखो दोस्तों इसकी टिप काफी जबरदस्त टिप है और चलाया तो ये देख सकते हो काफी अच्छा भी चल रहा है, काफी अमेजिंग है। तो आपको ये मरमेड प्रिंसेस का हाइलाइटर सेट कैसा लगा दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलता है एक पांडा बियर की डायरी। अरे वाह, चलो देखते हैं डायरी है ये नोटबुक है या फिर ये ड्रॉइंग बुक है। तो पन्ने से निकाल लेते हैं अच्छे से तो ये देखो दोस्तों इसके अंदर पेजेस काफी सारे पेजेस मिल जाते हैं और तीन तरह के दोस्तों पेज मिलेंगे इस डायरी के अंदर। और सबसे अच्छी बात है ये डायरी 180 रोटेट भी हो जाती है काफी अच्छे से दोस्तों, काफी मोटे मोटे पेज हैं दोस्तों और पेजेस की क्वालिटी दोस्तों वाकई में काफी जबरदस्त और काफी अमेजिंग है। पांडा बियर वाली डायरी आपको कैसी लगी दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। इस बॉक्स में दोस्तों हमें मिलता है एक और बॉक्स दोस्तों, और ये तो है छोटा सा लंच बॉक्स दोस्तों। और इस लंच बॉक्स में दोस्तों हमें काफी सारी चीजें देखने को मिलती है। तो चलो फटाफट ओपन करते हैं, देखते हैं दोस्तों इसमें हमें क्या क्या चीजें मिलती है और किस तरह की चीजें मिलती है। तो यहाँ टेप है तो टेप को दोस्तों पहले हटा लेंगे, तो टेप को हटा लिया, अब ढक्कन ओपन करते हैं। ढक्कन ओपन करते ये देखो दोस्तों इसके अंदर हमें कितनी सारी चीज मिलती है। सबसे पहले तो देखो दोस्तों इसके अंदर मिलता हमें एक बैग, ये देख सकते हो काफी सुंदर बैग है। और दोस्तों ये बैग नहीं है, ये है बैग लुक में एक इरेजर, देख सकते हो कितना जबरदस्त लग रहा है और कितना पिटी लग रहा है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल रियल का दोस्तों बैग है दोस्तों, बट ये है एक इरेजर। और क्या मिलता है दोस्तों इस बॉक्स में, तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलता है एक सीजर, ये देखो दोस्तों काफी सुंदर सी सीजर मिलती है और ये सीजर भी है एक इरेजर, सीजर वाली इरेजर मिल जाती है, काफी सुंदर लग रही है, काफी जबरदस्त लग रही है दोस्तों। और देखते हैं दोस्तों इसमें हमें क्या मिलता है, तो इसके अंदर देखो दोस्तों हमें छोटा सा रैबिट मिलता है और ये रैबिट भी है पूरा एक इरेजर, ये देख सकते हो काफी जबरदस्त लंच बॉक्स है दोस्तों। इस लंच बॉक्स में हमें मिलते हैं काफी सारे और डिफरेंट
टाइप के इरेजर। तो ये देखो दोस्तों, जादू मिल गया इसके अंदर। ये देख सकते हो दोस्तों कितना पिटी लग रहा है, कितना जबरदस्त लग रहा है दोस्तों। और नीचे दोस्तों हमें होल मिल जाता है, इस होल में दोस्तों हम पेंसिल को लगा के फिर ये पेंसिल टॉपर बन जाएगा दोस्तों। काफी जबरदस्त है, काफी अमेजिंग है। टोटल हमें गाइस इसके अंदर हमें मिलते हैं चार इरेजर, चारों इरेजर दोस्तों एक से बढ़ के एक है। तो आपको चारों इरेजर में सबसे अच्छी इरेजर कौन सी लग रही है दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मुझे तो सच बताऊं ये सीजर और ये बैग बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है दोस्तों। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में क्या मिलता है। तो ये देखो दोस्तों बॉक्स हो गया खाली। इस बॉक्स में दोस्तों हम और भी स्टेशनरी आइटम रख सकते हैं छोटा छोटा दोस्तों। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलते हैं BTS की ज्योमेट्री बॉक्स। ये देख सकते हो मिनी जम्बो ज्योमेट्री बॉक्स है। चलो पन्नी से निकालते हैं, देखते हैं ज्योमेट्री बॉक्स में कितना स्पेस है और कितना स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। और कौन कौन है दोस्तों BTS आर्मी, प्लीज दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताना। BTS आर्मी हो तो कर देना वीडियो को लाइक। और ये देख सकते हो कितनी जबरदस्त ज्योमेट्री बॉक्स है, कितनी प्यारी है दोस्तों। आगे और पीछे दोनों साइड BTS की फोटो छपी है। यहां देखो दोस्तों इस ज्योमेट्री बॉक्स में हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बटन मिलते हैं। इन 8 बटन का यूज देखते हैं, उससे पहले ढक्कन ओपन करते हैं। ढक्कन ओपन करने से पहले यहां दोस्तों एक बटन मिलता है, इस बटन को दबाया तो ढक्कन ओपन हो गया। ढक्कन ओपन होने के बाद हम शार्पनर को यूज कर सकते हैं। छोटा शार्पनर मिलता है, एक हमें बड़ा शार्पनर मिलता है। छोटा शार्पनर होता है हमारी कलर पेंसिल को शार्प करने के लिए और बड़ा शार्पनर होता है हमारी HB पेंसिल को शार्प करने के लिए। चलो ढक्कन ओपन करते हैं, देखते हैं इस ज्योमेट्री बॉक्स में कितना स्पेस है। तो ढक्कन ओपन किया तो ये देखो दोस्तों इस ज्योमेट्री बॉक्स में हमें कितना बड़ा कंपार्टमेंट मिलता है। गहराई काफी अच्छी है, काफी सारी दोस्तों हमारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगी ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर। और इस ज्योमेट्री बॉक्स में देखो दोस्तों हमें कितने सारे पेंसिल लॉक मिलते हैं। चलो काउंट करते हैं कितने पेंसिल लॉक मिलते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पेंसिल लॉक मिल जाते हैं और काफी अच्छे पेंसिल लॉक मिलते हैं। और इन बटन का क्या यूज है, मान लो इसमें दोस्तों हमारी पेंसिल है, जिस पेंसिल को भी निकालना है उस बटन को दबाएंगे फिर पेंसिल लॉक ऊपर हो जाएगा कुछ इस तरह से। ये दिखाता हूं, अगेन दिखाता हूं। मान लो हमें 8वीं पेंसिल निकालनी है तो 8वें बटन को दबाएंगे तो ये देखो दोस्तों पेंसिल लॉक ऊपर आ गए। तो आपको सारे बटन दबा के दिखाता हूं। तो ये देखो दोस्तों सारे बटन दबाए और हमारे सारे पेंसिल लॉक बन गए मिसाइल लुक में, देख सकते हो। काफी जबरदस्त है, काफी अमेजिंग है। ऐसा पेंसिल लॉक दोस्तों मैंने किसी भी ज्योमेट्री बॉक्स में नहीं देखा था और इतने सारे पेंसिल लॉक दोस्तों हमें किसी भी ज्योमेट्री बॉक्स में नहीं मिलते। चलो बंद करते हैं, पीछे वाले ढक्कन को ओपन करते हैं, देखते कितना स्पेस है। पीछे वाले ढक्कन को ओपन किया तो ये देखो दोस्तों यहाँ पे भी हमें काफी बड़ा कंपार्टमेंट मिल जाता है और इस कंपार्टमेंट में दोस्तों हमारा काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। और इस कंपार्टमेंट में दोस्तों हमें टेबल देखने को मिल जाती है, ये देख सकते हो काफी जबरदस्त, काफी अमेजिंग है। तो आपको ये BTS की मिनी जंबो ज्योमेट्री बॉक्स कैसी लगी दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें ये क्या मिला दोस्तों, एक पैन। और इस पैन के पीछे देखो दोस्तों हमें कितना बड़ा डायमंड मिलता है दोस्तों, काफी खूबसूरत डायमंड मिल जाता है। और डायमंड के साथ दोस्तों हमें एक यूनिकॉर्न भी मिल जाता है। तो चलो दोस्तों देखते हैं पैन कैसे ओपन होता है। तो ये देख सकते हो डायमंड को दोस्तों इस तरह घुमाएंगे फिर दोस्तों पैन की टिप आगे निकल जाएगी, ये देख सकते हो। फिर हमें बंद करना हो तो बस इस डायमंड को दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो ये देखो दोस्तों पैन बंद। काफी जबरदस्त है, काफी अमेजिंग है। तो आपको ये मोटे डायमंड वाला पैन कैसा लगा दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें ये क्या मिला, एक कैमरे वाला लैंप। अरे वाह, और इसमें तो दोस्तों हमें पेन होल्डर भी मिलेगा और इसके अंदर लाइट भी मिलेगी और शार्पनर भी मिलेगा। चलो देखते हैं कैसा शार्पनर मिलेगा और कैसा लैंप मिलेगा और किस तरह का कैमरा मिलेगा इसके अंदर। चलो फटाफट निकाल लेते हैं बॉक्स से। तो ये देखो दोस्तों बॉक्स से निकाल लिया हमने और इसे पन्नी से भी निकालते हैं। तो ये देखो दोस्तों कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है दोस्तों कैमरा। ऊपर दोस्तों हमें लाइट मिल जाती है और यहाँ दोस्तों हमें होल मिलता है, इस होल में दोस्तों हमें शार्पनर मिल जाता है, ये देख सकते हो। यहाँ हम पेंसिल को डालेंगे फिर पेंसिल को शार्प करेंगे और ये देख सकते हो कितना अच्छी क्वालिटी का दोस्तों हमें शार्पनर मिल जाता है। यहाँ दोस्तों हमें एक बटन मिलता है, इस बटन को दबाते हैं तो ये देखो दोस्तों लाइट ओपन हो गई, ये देख सकते हो। जैसे हम कैमरे के बटन को दबाते हैं कैमरे में फोटो खींच जाती, उसी टाइप से दोस्तों इसके बटन को दबाएंगे फिर लाइट ओपन हो जाएगी, ये देख सकते हो। काफी जबरदस्त, काफी अमेजिंग है। और यहाँ दोस्तों हम अपने पेन और पेंसिल को स्टैंड करके रख सकते हैं, पेन होल्डर भी मिल जाता है। और इसके अंदर दोस्तों हमें छोटा सा कुछ और चीज भी मिला था जो बॉक्स के अंदर गिर गया। तो आपको ये कैमरे वाला शार्पनर प्लस लाइट लैंप कैसा लगा दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। पीछे दोस्तों हमें चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है, ये देख सकते हो। काफी जबरदस्त है, काफी अमेजिंग है। कलर कॉम्बिनेशन भी दोस्तों मुझे काफी अच्छा लगा इस कैमरे का दोस्तों। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें ये क्या मिला, एक फुटबॉल वाली पेंसिल पाउच दोस्तों, काफी जबरदस्त। और इस पेंसिल पाउच की जिप देखो दोस्तों कितनी मोटी जिप है, इतनी मोटी जिप तो दोस्तों मैंने किसी भी पेंसिल पाउच में नहीं देखी थी। जिप को ओपन करते हैं, देखते हैं कितना स्पेस है। तो जिप को ओपन किया तो एक ही जिप है दोस्तों और इसके अंदर का स्पेस देखो दोस्तों कितना सारा है, काफी जबरदस्त,
काफी अमेजिंग है। इतने मोटी जिप वाली पेंसिल पाउच मैंने आज तक नहीं देखी थी दोस्तों। चल साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। इसके अंदर मिलती है हमें 24 कलर पेंसिल सेट दोस्तों, और वाई ये भी काफी जबरदस्त है। चलो फटाफट निकालते हैं इसके अंदर से, देखते हैं हमें कैसी कलर पेंसिल मिलती है और कितनी मोटी मिलती है और कैसे साइज की कलर पेंसिल मिलती है। तो फटाफट निकालते हैं बॉक्स से कलर पेंसिल को। तो ये देखो दोस्तों कितनी जबरदस्त कलर पेंसिल है। हर कलर पेंसिल पे दोस्तों अलग अलग एनिमल स्किन का डिजाइन बना हुआ है दोस्तों, देख सकते हो काफी जबरदस्त है, काफी अमेजिंग है। इस वाली पेंसिल पे देख सकते हो पीकॉक का डिजाइन बना हुआ है दोस्तों, इस वाली पे हमें जिराफ का डिजाइन मिल जाता है। हर पेंसिल पे दोस्तों अलग अलग एनिमल स्किन की डिजाइन मिल जाते हैं दोस्तों। और इनकी मोटाई की बात करते तो ये देखो दोस्तों कलर पेंसिल कितने जबरदस्त कितने अमेजिंग है। साइज की बात करते तो ये देखो दोस्तों साइज भी काफी अच्छा है, काफी अमेजिंग साइज के कलर पेंसिल है दोस्तों। और निकाल के दिखाता हूं, तो इसके अंदर से एक निकाला तो ये देखो दोस्तों जैवरा लुक में काफी जबरदस्त कलर पेंसिल। तो आपको ये स्किन वाली कलर पेंसिल कैसी लगी दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इसके अंदर देखो दोस्तों हमें मिलता है यूनिकॉर्न स्टेशनरी सेट। तो फटाफट निकालते हैं बॉक्स से, देखते हैं इस यूनिकॉर्न स्टेशनरी सेट में हमें कितनी चीजें मिलती है और क्या क्या चीजें मिलती है। सबसे पहले तो देखो दोस्तों इस स्टेशनरी सेट में सर हमें मिलता है कलर पेंसिल, ये देख सकते हो कलर पेंसिल मिलते हैं। टोटल कितने कलर मिलेंगे तो इसके अंदर दोस्तों हमें 12 कलर की कलर पेंसिल मिलेंगी। देखते हैं कलर पेंसिल कैसे और इनके साइज कैसे हैं, और गोल पेंसिल है या ट्रायंगुलर कलर पेंसिल है ये भी देखते हैं। तो ये देखो दोस्तों साइज तो काफी अच्छा है और क्वालिटी देखो दोस्तों कितनी जबरदस्त है। और ये तो है दोस्तों ट्रायंगुलर कलर पेंसिल दोस्तों काफी जबरदस्त। और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है, तो निकालते हैं तो ये देखो दोस्तों इसके अंदर तो मिलते हैं हमें ऑयल पेस्टल कलर, और वाह काफी जबरदस्त ऑयल पेस्टल कलर मिले। टोटल गाइस इसके अंदर मिलेंगे हमें 24 कलर के ऑयल पेस्टल कलर। तो फटाफट निकालते हैं बॉक्स से और देखते हैं ऑयल पेस्टल कलर कैसे हैं और इनके साइज कैसे हैं। तो निकाला बॉक्स से तो ये देखो दोस्तों साइज तो काफी जबरदस्त है, काफी अमेजिंग है। तो एक दो ऑयल पेस्टल कलर को निकाल के भी आपको दिखाता हूं, ये देख सकते हो काफी जबरदस्त काफी अमेजिंग है दोस्तों। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों क्या मिलता है इसके अंदर। तो इसके अंदर देखो दोस्तों हमें मिलते हैं 12 पेज की ड्राइंग बुक, और वाह वो यूनिकॉर्न की। चलो देखते हैं ड्राइंग बुक कैसी है। तो ये देखो दोस्तों 12 पेजेस मिलते हैं, काफी बड़ी ड्राइंग बुक मिल जाती है। सबसे अच्छी बात है आगे और पीछे दोनों साइड यूनिकॉर्न की फोटो देखने को मिल जाती है। और देखते हैं क्या मिलता है इसके अंदर। तो इसके अंदर ये देखो दोस्तों दो दो हमें पेंसिल मिल जाती है और दोनों पेंसिल के ऊपर दोस्तों हमें यूनिकॉर्न की फोटो देखने को मिल जाती है। और क्या मिलता है तो इसके अंदर ये देखो दोस्तों हमें चार पेंसिल मिलती है, दो नहीं दोस्तों चार पेंसिल मिल जाती है। चारों पेंसिल पे दोस्तों हमें यूनिकॉर्न की फोटो देखने को मिल जाती है। और क्या मिलता है इसके अंदर, तो इसके अंदर ये देखो दोस्तों हमें मिलता है एक शार्पनर, ये देख सकते हो काफी जबरदस्त शार्पनर मिलता है, काफी अच्छी क्वालिटी का शार्पनर मिलता है। और इसके अंदर ये देखो दोस्तों हमें मिलता है एक जंबो इरेजर, ये देख सकते हो यूनिकॉर्न का जंबो इरेजर मिल जाता है, काफी जबरदस्त काफी अमेजिंग दोस्तों। ये यूनिकॉर्न का स्टेशनरी सेट तो दोस्तों मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। चलो साइड रखते और देखते दोस्तों इस बॉक्स में क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलती है मछली वाली ज्योमेट्री बॉक्स, ये देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है दोस्तों, कितनी सुंदर लग रही है। चलो ढक्कन ओपन करते हैं, देखते हैं कितना स्पेस है। ढक्कन ओपन किया तो ये देखो दोस्तों एक ट्रे, ट्रे पे हमें टेबल देखने को मिल जाते हैं। ट्रे को हटाते तो नीचे दोस्तों एक और कंपार्टमेंट मिल जाता है, इसकी गहराई काफी अच्छी है, काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा इस मछली वाली ज्योमेट्री बॉक्स में दोस्तों। चलो साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलते हैं एक डोरेमोन की ज्योमेट्री बॉक्स, काफी सुंदर ज्योमेट्री बॉक्स है। चलो देखते हैं इस ज्योमेट्री बॉक्स में कितना स्पेस है और कितना स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। तो ढक्कन ओपन किया तो एक कंपार्टमेंट है और इस कंपार्टमेंट में हमें पेंसिल लॉक देखने को मिल जाता है, ये देख सकते हो। और यहां देखो दोस्तों इस ज्योमेट्री बॉक्स में हमें 1 2 3 4 5 बटन मिलते हैं, पांचों बटन का कलर डिफरेंट डिफरेंट है दोस्तों। जैसा आप देख सकते हो इसमें हमें एक येलो कलर का बटन मिलता है, ग्रीन कलर का, एक रेड कलर का, एक पिंक कलर का, एक ब्लू कलर का। चलो इन बटन का यूज देखते हैं। पहले येलो बटन को दबाए तो ये देख सकते हो शार्पनर ऊपर आ गया, ग्रीन बटन दबाते ये देखो दोस्तों कैलेंडर बाहर, और इस ज्योमेट्री बॉक्स में हमें कैलेंडर भी मिल जाता है। रेड बटन को दबाते रेड बटन को दबाते एक छोटा सा कंपार्टमेंट बाहर आता है जिसमें दोस्तों हम अपनी इरेजर रख सकते हैं। पिंक बटन को दबाते हैं, पिंक बटन को दबाए तो ये देख सकते हो इस ज्योमेट्री बॉक्स में हमें थर्मामीटर भी मिल जाता है। चलो इस स्काई ब्लू बटन को दबाते हैं तो स्काई ब्लू बटन को दबाए तो ये देखो दोस्तों एक कंपार्टमेंट बाहर, और इस कंपार्टमेंट को यूज करने के लिए दोस्तों हमें ढक्कन खोलने की जरूरत नहीं होगी, बस नीले बटन को दबाएंगे और कंपार्टमेंट बाहर, और जो भी स्टेशनरी आइटम निकालना है वो काफी इजिली से निकाल लेंगे दोस्तों। चलो बंद करते, पीछे वाले ढक्कन को ओपन
करते हैं, देखते हैं कितना स्पेस है, पीछे वाले ढक्कन को ओपन किया तो यहाँ दोस्तों हमें एक कंपार्टमेंट मिलता है और इस कंपार्टमेंट की गहराई काफी अच्छी है और काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। तो आपको डोरेमोन की ज्योमेट्री बॉक्स कैसी लगी दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो साइड रखते और देखते दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलता है एक पेंसिल पाउच, काफी अच्छी क्वालिटी का दोस्तों पेंसिल पाउच है। चलो ओपन करते हैं। तो यहाँ दोस्तों हमें कवर मिलता है, कवर को हटाया तो ये देखो दोस्तों हमें कवर में 1 2 3 4 लॉक मिल जाते हैं। इस लॉक में हम पेन और पेंसिल को लॉक करके रख सकते हैं, काफी जबरदस्त है। और इस पेंसिल पाउच में हमें दो दो जिप मिलती है, एक छोटी जिप मिलती है, छोटी जिप को ओपन किया तो ये देख सकते हो छोटा पॉकेट मिल जाता है। मेन जिप को ओपन करते हैं तो ये देखो दोस्तों इसके अंदर का स्पेस कितना जबरदस्त और कितना अमेजिंग है, काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगा इस पेंसिल पाउच के अंदर। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है, कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलती है एक लॉइन वाली ज्योमेट्री बॉक्स, और ये लॉइन वाली ज्योमेट्री बॉक्स नहीं है, ये है एक ट्रेन लुक में ज्योमेट्री बॉक्स। और ये देखो दोस्तों नीचे हमें व्हील भी मिल जाता है जिससे काफी अच्छा टाइम पास भी कर सकते हैं दोस्तों इस ज्योमेट्री बॉक्स के साथ। और दोस्तों हमें आगे होल मिलता है, ये होल नहीं है दोस्तों, इसके अंदर मिलता है हमें एक शार्पनर, ये देख सकते हो इंजन में से दोस्तों हम निकालेंगे शार्पनर, देख सकते हो कि हिडन शार्पनर मिल जाता है। और सारा कूड़ा दोस्तों कहां से निकालेंगे वो आपको दिखाता हूं। तो इसके टायर को खींचेंगे फिर सारा कूड़ा फेंक देंगे हम पेंसिल का, ये देख सकते हो काफी जबरदस्त है। चलो ढक्कन ओपन करते हैं, देखते हैं कितना स्पेस है। तो ढक्कन ओपन किया तो एक कंपार्टमेंट है और इस कंपार्टमेंट में दो सेक्शन है, और इसका पेंसिल लॉक देखो दोस्तों कितना जबरदस्त है, काफी अच्छी क्वालिटी का दोस्तों हमें पेंसिल लॉक मिल जाता है। यहाँ एक छोटा सा पॉकेट मिलता है जिसमें दोस्तों हम अपना क्लास शेड्यूल लिख के रख सकते हैं, और इस पॉकेट में दोस्तों हम अपना क्लास शेड्यूल हटा के अपना आईडी कार्ड भी लगा के रख सकते हैं। चलो बंद करते हैं, पीछे वाले ढक्कन को ओपन करते हैं। पीछे वाले ढक्कन को ओपन किया तो ये देखो दोस्तों इस वाले कंपार्टमेंट में दोस्तों काफी अच्छा स्पेस है, काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। तो आपको ये ट्रेन वाली ज्योमेट्री बॉक्स कैसी लगी दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है, कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलते हैं एक स्पेस वाली ज्योमेट्री बॉक्स, और ये ज्योमेट्री बॉक्स तो मेटल की। तो ढक्कन ओपन करते हैं, ढक्कन ओपन करते हैं, ये देखो दोस्तों इस ज्योमेट्री बॉक्स में हमें एक और छोटी सी ज्योमेट्री बॉक्स मिल जाती है। ढक्कन ओपन किया तो ये देख सकते हो इसमें छोटा सा सेक्शन है, काफी अच्छा स्पेस है, काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा छोटा छोटा सा दोस्तों। इसे साइड रखते हैं, यहां देख सकते हो ट्रे मिलते हैं, ट्रे पे दोस्तों हमें टेबल देखने को मिल जाती है। ट्रे को हटाते हैं तो नीचे दोस्तों एक और कंपार्टमेंट मिल जाता है, इस कंपार्टमेंट की गहराई काफी अच्छी है और काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों इस ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर। तो साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में दोस्तों हमें मिलता है एक स्पाइडरमैन की ज्योमेट्री बॉक्स, और इस स्पाइडरमैन की ज्योमेट्री बॉक्स में दोस्तों हमें काफी सारे सीक्वेंस भरे मिल जाते हैं और ग्रेटर भी भरा हुआ। यहां देखो दोस्तों हमें एक वॉच भी मिल जाती है, ये देखो दोस्तों वॉच मिल गई। और देखो दोस्तों यहां एक बटन मिलता है, इस बटन को दबाया और इस बटन पे साफ साफ लिखा ओपन, इस बटन को दबाया तो ढक्कन ओपन हो गया। ढक्कन ओपन होते ही ये देखो दोस्तों एक कंपार्टमेंट मिलता है, और इस कंपार्टमेंट दो सेक्शन है, और इस वाले कंपार्टमेंट का पेंसिल लॉक देखो दोस्तों कितना बड़ा पेंसिल लॉक मिलता है, काफी जबरदस्त है। आप देख सकते हो बस इस ज्योमेट्री बॉक्स को बंद करेंगे, इसके बटन को बस हल्का सा दबाएंगे, ढक्कन ओपन हो जाएगा, ये देख सकते हो। और इस लॉक में दोस्तों हम अपनी 6 पेंसिल को लॉक करके रख सकते हैं, काफी जबरदस्त ज्योमेट्री बॉक्स है। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में दोस्तों हमें मिलता है गो टू द मून की ज्योमेट्री बॉक्स, काफी जबरदस्त ज्योमेट्री बॉक्स है, और ये ज्योमेट्री बॉक्स भी मेटल की है। चलो ढक्कन ओपन करते हैं। तो ढक्कन ओपन किया तो पहले कंपार्टमेंट में देखो दोस्तों हमें मिलता है जंबो कैलकुलेटर, और काफी बड़ा कैलकुलेटर मिल जाता है, काफी अमेजिंग। और ये कैलकुलेटर तो 360 रोटेट भी होता है दोस्तों, काफी जबरदस्त है। और क्या मिलता है दोस्तों इसके अंदर, तो ढक्कन ओपन किया, ढक्कन ओपन करते हैं, ट्रे ट्रे पे दोस्तों हमें टेबल देखने को मिल जाती है, ट्रे को हटाते हैं तो नीचे एक कंपार्टमेंट और मिलता है। इस कंपार्टमेंट की गहराई काफी अच्छी, काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। सबसे अच्छा तो दोस्तों मुझे इसका कैलकुलेटर लगा, जैसे आपको यूज करना है कैलकुलेटर तो कैलकुलेटर को ऐसे उठाएंगे फिर आगे इस तरह रोटेट कर देंगे दोस्तों, फिर हम काफी इजीली से कैलकुलेटर को यूज भी कर सकते हैं, काफी अच्छी ज्योमेट्री बॉक्स है। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें ये क्या मिला दोस्तों, ये क्या, चलो देखते हैं। तो इसे पहले निकालते हैं, इससे पहले ढक्कन ओपन किया तो इसके अंदर दोस्तों हमें मिलते हैं टोटल 12 कलर के वॉशेबल कलर पेन, और वाह चलो आपको दिखाता हूँ वॉशेबल कलर पेन कैसे हैं और इनकी टिप कैसी है और चलते भी कैसे हैं। तो निकाल लेते हैं बॉक्स से, तो ये देख सकते हो वॉशेबल है, काफी अमेजिंग है। और इन पेन के आगे दोस्तों हमें मिलते हैं स्टैंप, ये देख सकते हो हर कलर पेन के आगे दोस्तों हमें स्टैंप मिलेंगे, ये देख सकते हो काफी जबरदस्त है। इसके अंदर देखते हैं हमें दोस्तों किस तरह का स्टैंप मिलता है, तो ये देखो दोस्तों हमें इसके अंदर अम्ब्रेला वाला स्टैंप मिलता है, ये देख सकते हो
काफी जबरदस्त, काफी अमेजिंग। चलो अब टिप चलाते हैं, देखते हैं ये वॉशेबल कलर पैन की टिप कैसी है। ढक्कन ओपन किया तो ये देखो दोस्तों इसकी टिप कितनी जबरदस्त टिप है और कितना फास्ट भी चल रहा है और कितना अमेजिंग चल रहा है। सबसे अच्छी बात है ये वॉशेबल है, ये कलर वॉश हो जाएगा दोस्तों, काफी जबरदस्त चल साइड रखते हैं। टोटल गाइस इस बॉक्स में हमें 12 कलर मिलते हैं तो बॉक्स हो गया खाली। आज इस बॉक्स में दोस्तों हम एक से बढ़ के एक स्टेशनरी आइटम मिली। आपको सबसे अच्छी स्टेशनरी आइटम क्या लगी दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो कर देना वीडियो को लाइक। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अच्छे वीडियो के साथ, अच्छे से कलेक्शन के साथ, अच्छे से अनबॉक्सिंग के साथ। जब तक बाय बाय दोस्तों।